नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। देश में कई जगहों पर नागा देवता के मंदिर भी हैं। इनमें से एक मंदिर उत्तर प्रदेश में भी है। यह एक रहस्यमय मंदिर है। नागा देवता का यह रहस्यमय मंदिर ओरेया जिले के डिबियापुर थाना क्षेत्र के सेहुद गाँव में स्थित है। इसे प्राचीन धोरा नागा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान मंदिरों के विनाश का प्रतीक है। इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन गांव में मेले का आयोजन किया जाता है और मेले में दंगे भी किए जाते हैं। आज भी इस मंदिर में सदियों पुरानी खंडित मूर्तियां पड़ी हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही ये मूर्तियां दिखाई देती हैं। यह नागा मंदिर अपनी अनूठी मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कोई छत नहीं है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में छत बनाने की कोशिश करता है, उसकी समय से पहले मौत हो जाती है। जब बाहर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं तो लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं कि इस प्राचीन मंदिर में छत नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी इस मंदिर में छत बनाने की कोशिश की, उसकी या उसके परिवार की किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो गई, छत भी अपने आप गिर जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी गाँव के एक इंजीनियर ने एक बार मंदिर में छत बनाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद उसके दोनों बच्चे की मौत हो गई और वह सुबह छत से गिर गई। तब से लेकर आज तक इस मंदिर की छत लगाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वहीं यह मंदिर हमेशा खुला रहता है और इस मंदिर में सदियों पुरानी मूर्तियां पड़ी हैं। लेकिन इस मंदिर से कोई कुछ नहीं ले सकता। जिसने भी मंदिर से कोई वस्तु अपने साथ ले जाने की कोशिश की, उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ उसे वस्तु रखने के लिए वापस लौटना पड़ा। 1957 में इटावा के तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस मंदिर से एक मूर्ति छीन ली थी, लेकिन मूर्ति को वापस रखने के लिए कुछ समय बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।